नमस्कार, मैं श्रीमती अर्चना साहू, बीपी पुजारी, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल राजा तालाब रायपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पढ़े तो हरिद्वार के अंतर्गत आज हम कक्षा 6वीं के पाठ 13 चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। इसके लिए मैं इसे समझाने के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, और इस वीडियो को देखकर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप कक्षा में अपने शिक्षक के साथ में ही हैं। मोहन नाम का एक छोटा सा प्यारा सा बालक है जो आज के विषय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां अपने प्रश्नों के माध्यम से देने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज की हमारी कहानी है मैग्नेट की कहानी। अरे तो जानते हो जी क्या है? मास्टर जी, लेकिन मास्टर जी, इससे चीजें भाई और जगह से कुछ जाता है इससे? मास्टर What is Matrix 24? Free task management, free time tracking, free quotes and invoices. Matrix 24, the number one free project management platform. ये जानना चाहते हो? तुम लोग इसके बारे में जानना चाहते हो? मैं बताएंगे, आओ। देखो बच्चों, इस लोहे के टुकड़े का नाम है चुंबक। चुंबक की खोज के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन जो कहानी सबसे अधिक सही है वो सुनो। प्राचीन यूनान में एक गडेरिये का लड़का था, उसका नाम था मैग्नस। वो इदा पर्वत पर अपनी भेड़े चराया करता था। एक दिन जब वो अपनी भेड़ चरा रहा था, एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। यहां से स्टॉप कर दीजिए। और वो आश्चर्यजनक घटना ये थी कि भेड़े चराने रोज जाता था वो बालक, और चराते हुए वो थक जाता था जब, तो किसी एक जगह पर बैठ जाता था। इस बार जिस जगह पे वो बैठा, वहां बैठने के बाद जब उसने उठने का प्रयास किया, तो उसकी जो लाठी थी और उसके जूते जो थे वो उस पत्थर पर बुरी तरह से चिपक गए। आगे की स्लाइड में कुछ चित्र हैं जिससे आपको ये कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। तो जब उसने प्रयास किया अपने जूतों को वहां से छुड़ाने का, तो वो बहुत ताकत लगाने के बाद भी उसको छुड़ा नहीं पाया। उसकी लाठी तो एक जगह से उठाकर जब फिर रखता था वो वापस चिपक जाती थी। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हुआ, और उसके मन में ये विचार आया कि कहीं मुझे भूत ने तो नहीं पकड़ लिया। तो वो चिल्लाया बहुत जोरों से और दौड़ते हुए वहां से अपने जूते और अपनी छड़ी छोड़कर भागा।
भागकर वो गया उन लोगों के पास जो उसके घर के आसपास रहते थे। वहां जाकर जब उसने ये सारी बातें बताई तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सब अपने अपने हथियार लेकर वहां पहुंचे कि अगर कोई अनहोनी घटना हो रही हो तो हम उससे बाहर निकलकर वापस आएंगे। तो वो अपने साथ कुदाले लेके गए, हथियार लेके गए, डंडे लेके गए। और जब वहाँ वो गए तो उनके भी जो कुदालियाँ थी या लोहे जड़े हुए जो सामान थे वो भी उस पत्थर पर चिपक गए। ये देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने एक और प्रयास किया कि चलिए इस पत्थर को ही हम निकाल कर देखते हैं इसके नीचे क्या छिपा हुआ है। तो वो उस पत्थर को वहाँ से बाहर उठाकर ले आए और उसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि ये गुण सिर्फ इसी पत्थर में है और कहीं ये चीज़ नहीं हो रही है जहाँ पर लोहे के सामान चिपक जाता हो। तब उन्हें ये समझ में आया कि ये कोई भूत प्रेत या नहीं उस पत्थर की विशेषता के कारण हो रहा है। और यहीं से ही एक ऐसे पत्थर के बारे में पता चला जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे अपने में चिपका लेता है। और क्योंकि मैग्नस नाम के लड़के के कारण इस पत्थर की खोज हुई थी, उसी के नाम पर ही इस पत्थर को जो लोहे को चिपका लेता है खुद से, उसको नाम दिया गया मैग्नेट, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं चुंबक। और इसी विशेषता के ऊपर बहुत सारे आविष्कार हुए। चलिए आइए देखते हैं कि वास्तव में चुंबक होता क्या है। ये तो हम समझ गए, वो पदार्थ जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को खुद में चिपका लेता हो, आकर्षित कर लेता हो, वो चुंबक कहलाता है। अब आगे उस पर बहुत सारे खोज हुए, उसके बारे में जाना गया। तब पता चला कि चुंबक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त हो, ये अनिश्चिताकार के होते हैं और कम शक्तिशाली होते हैं। इन्हें अपने इच्छानुसार हम आकृति नहीं दे सकते। दूसरा जो प्रकार होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम जो नाम से ही स्पष्ट है, मानव निर्मित वस्तुओं को कहा जाता है कृत्रिम। तो मानव निर्मित चुंबक को कहेंगे हम कृत्रिम चुंबक। इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार आकृति दे सकते हैं, उसकी चुंबकत्व की शक्ति को कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। और इस प्रकार से चुंबक के दो व्यापक वर्गीकरण के बाद में कृत्रिम चुंबक को फिर से दो प्रकारों में बांटा गया, जिसमें से पहला है स्थायी चुंबक या परमानेंट चुंबक, जिनका चुंबकत्व का गुण हमेशा ही उसमें बना रहता है, उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं। ये तीन मुख्य धातुओं से मिलकर एक मिश्र धातु बनाया जाता है जिसको कहते हैं एलनिको। इसमें होता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, और भी दूसरे मिश्र धातुओं के प्रयोग से ये बनाया जाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसका चुंबकत्व तो शीघ्र नष्ट नहीं होता और ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम आसपास देखते हैं। जैसे पहला चित्र आप देख रहे हैं, ये घोड़े की नाल की आकृति का चुंबक है। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में हॉर्स शू मैग्नेट। और चित्र में देखिए आप, दो छड़ हैं, छड़ के समान दिखने वाले चुंबक हैं, ये छड़ चुंबक हैं। ऊपर जो लाल और काले रंग की दो हिस्सों में बटी हुई जो पट्टी दिख रही है, उसको हम कहते हैं बार मैग्नेट या दंड चुंबक। हॉर्स शू मैग्नेट का ही दूसरा चित्र वहाँ पर है। एक नुकीले सिरों वाली आकृति आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके दोनों सिरे सुई की तरह हैं इसलिए इसको नडल या निडल मैग्नेट कहा जाता है। नीचे देखेंगे आप, गोल आकृति है, बीच में थोड़ा सा छेद है, तो ये है रिंग मैग्नेट। और ये बीच में जो दो अंडाकार आकृतियां आप देख रहे हैं चुंबकों की, ये बच्चे खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। मेरे पास उपलब्ध नहीं था इसलिए मैं नहीं ला पाई। आपकी पुस्तक में एक और चित्र दिया हुआ है, एक छड़ है पतली सी और उसके दोनों सिरों पर गोल आकृति बनी हुई है, तो ये भी एक दंड चुंबक का ही उदाहरण है। तो आइए हम देखते हैं कि इस तरह के चुंबकों का क्या उपयोग है, ये किस काम पे आती हैं और हम इसे कैसे बना सकते हैं। दूसरा जो प्रकार था कृत्रिम चुंबक का, वो था अस्थायी चुंबक। अस्थायी का मतलब है जो हमेशा के लिए ना हो, कुछ समय के लिए हो। तो इस प्रकार के चुंबक का गुण स्थायी नहीं रहता,
उसे हम कहते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबकों को सामान्यतः नर्म लोहे से बनाया जाता है। अस्थायी चुंबकों को नर्म लोहे के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित करके, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, उसके चारों तरफ तार लपेटी जाती है और उसके बाद फिर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। तो उसके प्रवाह के कारण थोड़े समय बाद वो नर्म लोहे का जो टुकड़ा है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, और जैसे ही हम विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं उसका चुंबकत्व जो है वो समाप्त हो जाता है। इसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य हमें चुंबक के बारे में ध्यान रखना है कि अधिकांश जो स्थायी चुंबक बनते हैं वो एल्निको, जैसा कि मैंने पहले बताया, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के मिश्रण से बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। कुछ चुंबक फेराइट यानी फेरेट ऑक्साइड व बैरियम ऑक्साइड का मिश्रण होते हैं। ये अधिक स्थायी, शक्तिशाली और वजन में हल्के होते हैं। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से पदार्थ चुंबकीय हैं और कौन कौन से पदार्थ अचुंबकीय हैं। तो चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जा सकते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिन्हें हम चुंबक बना सकते हैं वे सारे पदार्थ भी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा है, लोहे से ही चुंबक बनाया जाता है और लोहे की बनी हुई वस्तुएं ही चुंबक से आकर्षित होती हैं। दूसरा जो धातु है वो है कोबाल्ट, निकल, और इन तीनों का मिश्रण भी चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो ना तो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं और ना ही हम उन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, एल्यूमिनियम, सल्फर डाइऑक्साइड, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबर, ये सभी अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं जिन्हें ना तो हम चुंबक बना सकते हैं और ना ही चुंबक से आकर्षित कर सकते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर चुंबक के कुछ प्रमुख गुण निर्धारित किए गए कि इन गुणों को रखने वाला पदार्थ ही चुंबक बनने के योग्य है। पहला गुण था आकर्षण का गुण। आकर्षण मतलब जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाता हो, तो चुंबक में ये गुण है। दूसरा है दैशिक गुण, दिशा को बताने वाला गुण चुंबक के अंदर होता है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। तीसरा है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। प्रयोग के माध्यम से हम ये दोनों सारे गुण अभी समझेंगे। चौथा गुण है दो विपरीत ध्रुवों का युग्म में होना, और पांचवा गुण है चुंबकीय प्रेरण। तो ये सारे गुण, जैसे आकर्षण का गुण के बारे में हम बात करें अगर, तो अगर आप मैग्नेट के सामने लोहे का कोई भी टुकड़ा रखें, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी, अभी मेरे पास एक छोटा सा दंड चुंबक है जिसमें दो ध्रुव अंकित हैं, एन और एस। अगर मैं इसके सामने लोहे की वस्तुएं ला के रखूँ तो ये अपनी ओर इसे आकर्षित कर लेता है। देखा आपने, लोहे के सिक्के हैं मेरे पास दो और ये एक छोटा सा दंड चुंबक है। जैसे ही मैं चुंबक को इसके पास लेके जाऊंगी, सिक्का थोड़ी दूर रहने के बावजूद भी आकर्षित होकर इससे आकर चिपक जाता है। ये है इसके आकर्षण का गुण। दूसरे गुण के बारे में हमने अभी जो समझा था वो दैशिक गुण। दैशिक गुण देखिए, इसका एन और एस दो ध्रुव बने हुए हैं, एन यानी उत्तरी ध्रुव और एस यानी दक्षिणी ध्रुव। अगर मैं इसको स्वतंत्र रूप से लटकाकर कहीं किसी स्थान पर रख दूं तो ये चुंबक हमेशा मुझे उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान कराता है। ये आगे हम वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। तीसरा जो गुण था आकर्षण और प्रतिकर्षण का, यदि मैं दो चुंबकों को एक दूसरे के पास रखूं तो इसके जो समान ध्रुव हैं यानी एन और एन ध्रुव अगर आपस में हो एक दूसरे के, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। देख रहे हैं, देखिए ये धक्का देकर इसको दूर हटा रहा है। लेकिन इसके विपरीत, यदि इसके विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने हो यानी एन के सामने एस, तो ये दूर रखने के बाद भी आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं। तो ये गुण है आकर्षण और प्रतिकर्षण का।
अगला जो गुण हमने पढ़ा था, ध्रुवों का युग्म में रहना। वैसे तो ये चुंबक अभी सामान्य आकार का है, इसमें दो ध्रुव बहुत आसानी से हम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है। यदि इस चुंबक के छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, तब भी वापस उसमें दो ध्रुव फिर से हमें मिलेंगे, चाहे मैं उसे बीच से ही काट दूं, लेकिन उसका एन ध्रुव हमेशा एन ध्रुव ही रहेगा और कटा हुआ जो हिस्सा है एस की तरफ का, वो फिर से वापस एस ध्रुव बन जाएगा। फिर से उसके छोटे टुकड़े कर दिए जाएं अगर, तो वो फिर से दो ध्रुवों को प्रकट करेगा। और आप चाहे कितने भी छोटे टुकड़े कर लें, सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु, अगर परमाणु रूप में भी आप जाएं, तो भी आपको दो ध्रुव ही मिलेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चुंबक जो हमेशा होता है वो युग्मों के रूप में होता है, ध्रुवों के। आगे हम छोटे सा वीडियो में देखेंगे चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण वो होता है कि हम उसको कुछ समय तक चुंबक के प्रभाव में रखकर किसी वस्तु को जब चुंबक बना देते हैं और उसके प्रभाव के कारण वो लोहे की वस्तुओं को खींचने में सक्षम हो पाता है, तो हम उसे कहते हैं चुंबकीय प्रेरण, जो हम वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। ये देखो एक साधारण सी सुई, और ये हमारे पास भी एक चुंबक है। अब मैं इस चुंबक को इस सुई पर रगड़ता हूं, इस किनारे से दूसरे किनारे तक, ऐसे 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 कई बार। और अब देखो ये सुई इस सुई को पकड़ती है ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि ये साधारण सी सुई भी चुंबक बन गई। तो देखा आपने चुंबकीय प्रेरण से कैसे एक साधारण सी सुई चुंबक बन गई, और बच्चों को कितना आश्चर्य हुआ ये देखकर। आप ये प्रयोग अपने घर में भी अपने छोटे भाई बहनों के सामने करें और उन्हें भी ये जादू दिखाएं कि कैसे हम सुई को चुंबक की तरह उपयोग कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि चुंबकीय प्रेरण के बाद में जो और गुण थे चुंबक के, तीन और गुण थे, कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना। जैसे लोहे से हम चुंबक बनाते हैं, मेरे सामने हाथ में जो अभी आपने छोटा सा दंड चुंबक देखा था वो भी लोहे का ही बना हुआ है, लेकिन कुछ विधियों से उसे हमने क्या बना दिया है, चुंबक। तो ये भी चुंबक का एक गुण है। सातवां जो गुण है, अचुंबकीय माध्यम के उस पार चुंबक का प्रभाव। अचुंबकीय माध्यम कहने का तात्पर्य क्या है, यदि हमने चुंबक को किसी जगह पर रखा और उसके चारों ओर कोई माध्यम है जो अचुंबकीय है, तो क्या उसको पार करके भी चुंबक प्रभावशाली है दूसरी वस्तुओं पर, ये आगे हम देखेंगे। आठवां जो गुण था, उचित रखरखाव के अभाव में चुंबकत्व का नष्ट होना। तो यदि चुंबक को सही तरीके से ना रखा जाए तो क्या उसका दुष्प्रभाव होता है, कैसे उसके गुण समाप्त होते हैं, और उसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। हाँ, ये नहीं, ये तो मैंने करके दिखा दिया क्रियाकलाप। हाँ हाँ, वीडियो है शायद, एक बार चेक करेंगे सर। 6:20 के बाद 7:20 के बाद 10 वीडियोस आ रही है इसकी रक्षा के बाद। अच्छा ठीक है, चलिए क्रियाकलाप तो हमने पहले ही कर लिया था। आगे हम देखते हैं कि चुंबकीय रक्षक जो उसके गुणों को बचाने के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है। जब मैंने चुंबक खरीदा था तो मुझे ये मिला था कुछ इस तरह,
ये इस तरह मुझे ये चुंबक डिब्बे के अंदर मिला था, क्योंकि मैं चुंबक के बारे में पहले से जानती हूँ, इसलिए मुझे देखते ही समझ में आया कि इस व्यवस्था के साथ में इस डिब्बे के अंदर क्यों रखा गया था। और जब मैं आपकी उम्र में थी तब बहुत सोचा करती थी कि ऐसा क्यों है कि अगर चुंबक ऊंचाई से गिर जाता है तो थोड़ी देर तक या हो सकता है पूरे समय के लिए ही वो आकर्षण का गुण खो देता है। तो इसका कारण जो अभी हमने आठवां गुण चुंबक का देखा कि चुंबकत्व के रक्षण के लिए क्या प्रयास किया जाता है, तो उसमें से एक प्रमुख कारण चुंबक को इस प्रकार रखने का ये है कि यदि हम विपरीत ध्रुवों के साथ में दोनों चुंबकों को रखें और उनके बीच में अचुंबकीय पदार्थ को रखें और उनके सिरों को जब हम नर्म लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से इस तरह से संयोजित करके रखें तो चुंबक का जो गुण होता है वो नष्ट नहीं होता, कितने भी लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्था ना रखी जाए, ये दंड चुंबक यदि अकेले ही रखा जाए, तो कुछ समय के पश्चात इसका जो आकर्षण का गुण होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये किसी काम का नहीं रहता। तो इन छोटे जो नर्म लोहे के टुकड़े हैं जिनको हम इस व्यवस्था के द्वारा चुंबक के गुण को रक्षित रखने के लिए उपयोग करते हैं, इन नरम लोहे के टुकड़ों को कहा जाता है चुंबकीय रक्षक। अब चुंबकीय रक्षक से संबंधित एक छोटा सा स्लाइड आपके टेक्स्ट बुक में है, जानकारी दी गई है कि इसको रखने का कारण क्या है, और एक छोटा सा वीडियो है उसी कक्षा का ही है जिसके बारे में अभी हम वीडियो देख रहे थे कि मास्टर जी बच्चों को क्या बता रहे हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये देखिए, कारण कुछ लिखे हुए हैं कि चुंबकत्व नष्ट क्यों होता है। यदि चुंबक को पीटा जाए या पटक दिया जाए उसका गुण समाप्त हो जाता है, यदि गर्म किया जाए तब भी उसका गुण समाप्त हो जाता है। अगर समान ध्रुवों को हम एक साथ रख दें, जैसे कि एन ध्रुव के साथ में एन रख दें अगर और एस के साथ में एस रख दें, तो कुछ समय बाद इसका चुंबकत्व का गुण भी समाप्त हो जाता है। सही तरीके से रखरखाव ना रखें करें हम, यदि हम पानी में वाली जगह पे या नमी वाली जगह पे रख दें तब भी इसके गुण जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें कि चुंबक को हम कैसे उसके गुणों के साथ संरक्षित रख सकते हैं। नाल चुंबक जो होता है, जो आप चित्र में देख रहे हैं ऊपर जो बना हुआ है यू शेप का, उसके दोनों सिरे जो देखे एन और एस, उनके बीच में एक लकड़ी का गुटका रखने से या फिर नरम लोहे का टुकड़ा रखने से हम उसके गुण को संरक्षित रख पाते हैं। लेकिन यदि दो छड़ चुंबकों की बात हो, जो आपके सामने मैंने व्यवस्था करके दिखाई है, इनको ऐसे ही रखा जाता है, या तो आप लकड़ी का टुकड़ा रख सकते हैं या फिर प्लास्टिक का टुकड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन वो अचुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। तो इस तरह से गुणों को संरक्षित करने के लिए लोहे की जो पट्टियां दोनों ओर लगाई होती हैं इसको हम कहते हैं चुंबकीय रक्षक। आइए देखते हैं वीडियो में मास्टर जी बच्चों को क्या बता रहे हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं? तो हम आपको एक यंत्र दिखाते हैं, चुंबक यंत्र। We have not chance. Faster, it's wonderful. इसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत कर रही है, वही उत्तर और दक्षिण है। अगर हम इस सुई को घुमा देते हैं तो देखो ये फिर रुक गई और फिर उसी दिशा की तरफ संकेत करने लगी। इसे कुतुब नुमा कहते हैं या कंपास भी कहते हैं। बच्चों पुराने जमाने में नाविक ये देखो इस तरह की सुई का प्रयोग करते थे। ये भी चुंबकीय सुई है, इसे पानी में डाल देते थे और ये दिशा बता। लेकिन आंधी आती थी, तूफान आता था, सुई हिलती थी, इसलिए उन्हें दिशा ढूंढने में परेशानी होती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस तरह की सुई बनाई
डिब्बा बंद सुई, डिब्बे में बंद सुई। बच्चों ये रेगिस्तान में भी दिशा जानने का एक साधन है, क्योंकि वहां दूर दूर तक रेत होता है और कुछ दिखाई नहीं देता, तो इससे ही दिशा का ज्ञान होता है। और हवाई जहाज चलाने वाला भी इसी की मदद से दिशा जानता है। तो देखा हमने कि चुंबकीय सुई या कंपास नेडल जो हम कहते हैं, वो किस तरह बड़े बड़े नावों को, जहाज़ों को समुद्र में दिशा ज्ञान कराता है, और रेगिस्तान में भी ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एक छोटा सा और क्रियाकलाप हम करेंगे, जो पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, वो कैसे करती है? मास्टर जी ने भी ये प्रयोग अपनी कक्षा में बच्चों को करके दिखाया और बच्चे बहुत खुश हुए। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी कक्षा में दिखाऊं तो बच्चों को बहुत खुशी होगी, और ये आप कर सकते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत छोटा सा प्रयोग है। एक दंड चुंबक को धागे की सहायता से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाना है। इस तरह आप चाहें तो किसी लकड़ी के स्टैंड में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथ से ही पकड़ा है। अगर ये स्वतंत्र रूप से लटका रहा तो कुछ समय बाद देखेंगे ये स्थिर हो जाएगा, और ये दोनों ध्रुव इसके दिशा का ज्ञान कराएंगे। एन ध्रुव जो है वो उत्तर दिशा और एस ध्रुव है जो वो दक्षिण दिशा का ज्ञान कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। हमारी जो पृथ्वी है वो एक बहुत बड़े चुंबक की तरह कार्य करती है, पार्थिव चुंबक की तरह, और क्योंकि चुंबक के विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तरी भौगोलिक जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है, और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चुंबक जो है हमेशा इसीलिए इन दो दिशाओं को इंगित करता है, और इसीलिए वो इसी तरह ही स्थिर होता है, ना कि पूर्व और पश्चिम की ओर। तो आपकी पुस्तक में एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी चुंबक की तरह कैसे कार्य करती है, और मास्टर जी ने भी अपनी कक्षा में बच्चों को ये बताया है। तो आइए देखते हैं हम वीडियो के माध्यम से। समझे? और बच्चों चुंबक सिक्का परखने के लिए काम आता है। अगर सिक्का छोटा होगा तो चुंबक से चिपक जाएगा, और अगर सिक्का छोटा नहीं होगा तो चुंबक से नहीं चिपकेगा। अच्छा बच्चों, चुंबक के ये गुण जानने के बाद हम तुम्हें एक खेल दिखाते। ये देखो, इस ग्लास में मछलियां हैं, पानी में तैर रही है, देख रहे हो तैर रही। अब क्या तुम इन मछलियों को वो हाथ लगाए बगैर बाहर निकाल सकते हो? बोलो। मैं निकाल सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली को और ये बन गया मेरा मछली पकड़ने का कांटा। अरे माँ, इन मछलियों में तो लोहे की बनी कितने रहते हैं जो चुंबक से चिपक जाएंगे। हाँ, ये देखो मास्टर जी। शाबाश मोहन, शाबाश। तो देखा आपने कि मोहन
को कक्षा में आज कितनी सारी नई बातें पता चली और किस तरह उसकी जिज्ञासाएं प्रयोग करने से शांत हुई कि चुंबक क्या है, चुंबक कैसे काम करता है और हम कहाँ कहाँ चुंबक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज आइए आज की कक्षा के अंत में हम देखते हैं कि हमने इस तरह चुंबक का क्या क्या प्रमुख बिंदु आज हमने जाने कि चुंबक है क्या, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक कैसे काम करते हैं, उसके चुंबकत्व को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब एक अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो रह गया है कि चुंबक के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। कुछ तो हमने वीडियो के माध्यम से, मास्टर जी के माध्यम से जाना है, आइए उनको एक बार दोहराते हैं। दैनिक जीवन में चुंबक का उपयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे चुंबकों का उपयोग बुलेटिन बोर्ड, चुंबकीय खिलौने, स्टिकर्स जैसे लोहे की अलमारी में लगाए जाने वाले चिपकाने वाले जो सामान हैं, स्टिकर्स हैं, विद्युत घंटी, टेलीफोन, विद्युत जनित्र या जनरेटर या डायनेमो भी कहते हैं हमने, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर, ये सब में कहाँ, ये सब चीज़ों में चुंबक का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग कहाँ पर देख सकते हैं हम, लोहे के कण आँख में चले जाने पर जब डॉक्टर उसे निकालने के लिए उपयोग करता है वो एक प्रकार का विद्युत चुंबक होता है, जिससे लोहे के कण जो आँख में चले जाते हैं वो चिपक कर बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हुआ चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग, और कहाँ पर उपयोग होता है, कई धातुओं के अयस्कों को निकालने में उसमें मिले हुए जो लौह अयस्क होते हैं उनको हम चुंबक के माध्यम से अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े व्यापक रूप में होता है, जहाँ पे खाने होती हैं अयस्कों की वहाँ बड़े बड़े मशीनों में चुंबक लगे हुए होते हैं जिनमें चिपक कर लौह अयस्क बाहर हो जाते हैं। तो ये हो गया उसका औद्योगिक उपयोग। अगला उपयोग, चुंबकीय कंपास एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है जो बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती हैं समुद्र में, और हवाई जहाज़ जो ऊपर आकाश में, अब आप सोचिए कि सड़क पर परिवहन तो बहुत आसान है क्योंकि हमें मालूम है कहाँ मुड़ना है, बहुत सारे मार्क्स बने हुए होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, सड़क चिन्ह बने होते हैं, लेकिन हवा में या समुद्र में जहाँ पर दिशा का ज्ञान हमें किसी और माध्यम से ना मिल पाए और स्वयं का ही साधन उपयोग करना हो, वहाँ पर चुंबक की सुई जो होती है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। इससे बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं वो अपने वास्तविक स्थान पर या डेस्टिनेशन पर पहुँच पाते हैं, हवाई जहाज़ बिल्कुल सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भर पाती है, पनडुब्बियाँ जो जलपोत होती हैं वो भी इसी के द्वारा ही अपने दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला उपयोग जो है वो लोहे के भारी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी जो बड़े बड़े क्रेन उपयोग होते हैं उन सब में क्या लगा हुआ होता है, विद्युत चुंबक लगा हुआ होता है, जिसके उपयोग से भारी सामान को उठाना बहुत आसानी से संभव हो पाता है। तो ये सारे जो उपयोग हमने देखा ये हमारे आसपास कहीं ना कहीं हम रोज अनुभव करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि चुंबक जो है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है और ये बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाता है। तो आज की कक्षा में ये सारी चीज़ें हमने जानी समझी और मुझे पूरी तरह से आश्वस्त हूँ मैं कि अब चुंबक से संबंधित आपकी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी और आप भी छोटे छोटे प्रयोग चुंबक से जुड़े हुए करके देख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, मेरे पास कुछ कुछ सामान है, एक कागज़ का टुकड़ा है, सोने के सिक्के हैं, एक पैन की ढक्कन है, हाथों में पहनने वाली एक अंगूठी है, एक बिछिया है, एक कपड़े का बटन है, एक साड़ी पिन है, कपड़े से बना हुआ एक मास्क है, और ये इस मैग्नेट का कवर है। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि इसमें से कौन कौन से पदार्थ लोहे से बने हैं, यदि मुझे जांचना हो या चुंबक किन किन चीज़ों को आकर्षित करता है ये जांचना हो, तो मैं क्या करूँगी, इन सामानों के पास इन सबको लेके जाऊँगी, जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगा वो चुंबकीय पदार्थ लोहे से बना हुआ, और जो ना हो आकर्षित वो देखिए ये सारे अचुंबकीय पदार्थ हैं, ये लोहे से बने हुए होते हैं जो वो आकर्षित होकर चिपक गए, जैसे कि सिक्के, और बाकी जो पदार्थ हैं वो इनसे नहीं चिपक रहे हैं।
क्यों? क्योंकि ये अचुंबकीय पदार्थ है और चुंबक का गुण होता है कि वो लोहे से बने हुए पदार्थों को अपनी ओर खींच पाता है। तो इस तरह हम बहुत सारे सामान एक साथ इकट्ठे हों उनमें से चुंबक की सहायता से जांच कर सकते हैं किसमें लोहा उपस्थित है और किसमें नहीं। बिल्कुल यही काम बड़े रूप में होता है। बड़ी बड़ी क्रेन के सामने इस तरह का चुंबक रखा लगा हुआ होता है और जब उसको पास ले जाया जाता है तो खदान से निकलने वाले अयस्कों के बीच में वो आसानी से लौह अयस्कों को खुद में चिपका लेता है, जिसको अलग करके आगे की प्रक्रिया की जाती है। तो ये खेल आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ करके या घर में अपने माता पिता को भी दिखा सकते हैं चुंबक का उपयोग क्या क्या है और कैसे काम करता है। दिशा ज्ञान के लिए भी आपको कभी अगर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तो आप चुंबक को धागे से लटका कर देखिएगा, खुद से चेक करिएगा कि वास्तव में ये उत्तर और दक्षिण दिशा बताता है या नहीं बताता है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि इसके बाद में आप प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई थी, जैसे चुंबक क्या है? हाँ, चुंबक क्या है? वे पदार्थ जिनमें लौह लौह चूर्ण या चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो उसे चुंबक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वह किस दिशा को संकेत करेगा? बताइए उत्तर। उत्तर तथा दक्षिण दिशा को। तीसरा प्रश्न है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुंबक क्या है? उत्तर है, वह चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं और आकर्षण तथा दिशा संबंधी दोनों गुण रखते हैं वो प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम चुंबक क्या है? कृत्रिम संसाधनों से मनुष्यों द्वारा बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर आप लोगों को याद हो अगर तो, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। अगला प्रश्न है, किन चुंबकों को अस्थायी चुंबक कहते हैं? बहुत आसान है उत्तर, वे चुंबक जिनका चुंबकत्व तब तक रहता है जब तक हम परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं, या दूसरे शब्दों में वह चुंबक जिनको जब तक चुंबकत्व बल मिलता रहता है चुंबकत्व बना रहता है अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। स्थायी चुंबक किसे कहते हैं? वे चुंबक जो चुंबकत्व बल हटा लेने पर भी स्थायी रूप से देर तक बने रहते हैं उन्हें स्थायी चुंबक कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, टंगस्टन स्टील या हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, स्थायी चुंबक के विभिन्न आकार बताइए। उत्तर क्या क्या हो सकते हैं? एक आपके सामने जो मेरे हाथ में है वो है दंड चुंबक या छड़ चुंबक, हमने चित्र में देखा था घोड़े की नाल जैसा चुंबक, और एक और चुंबक हमने देखा था जो डिब्बे में बंद थी और वो थी चुंबकीय सुई या कंपास नडल। तो इन प्रश्नों के साथ में ही आज के पाठ का सार भी हमने जाना और इसी के साथ ही हमारी कक्षा का समापन होता है। धन्यवाद।